शहर में कोरोना के बढ़ते संक्रमितों के कारण शहर की व्यवस्था इस बार पटरी से बेपटरी हो चुकी है। ऐसे में हर एक इंसान परेशान हो चुका है। जिला प्रशासन अपने लेवल पर हर तरह से जनता की मदद कर रहा है, लेकिन अब हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में हालात क्या होंगे यह कोई नहीं जानता है। बस हर किसी को संभलने की आवश्यकता है। अब इस दौर में गरीब मजदूरी करने वाला मजदूर हो चाहे मध्यम वर्गीय परिवार हो, हर कोई इस कोरोना महामारी से परेशान है। जिस तरह से शहर में हालात हो रहे हैं उसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं आप और हम लोगों की बेपरवाही नजर आती है। गरीब मजदूरी करने वाले हो या घर चलाने वाली गृहिणी, सभी ने शहर की जनता से आने वाले हालातों को लेकर खुलकर मदद करने की बात कही है और उम्मीद की है कि समाज सेवी संस्थाओं को आगे आकर गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि दो वक्त की रोटी कमाने के लिए किस तरह से लॉकडाउन में निकलना पड़ रहा है। शहर के जो पिछले साल जो हालात थे, पिछले साल से तो अब इस बार जो हालात है वो बहुत ही गंभीर है। और मैं शहर के दानदाताओं से, मतलब लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो शहर में पहले पिछले साल जो दानदाताओं ने आगे बढ़कर जो सेवाएँ दी थी, वो इस साल भी, मतलब शहर के दानदाताओं, मतलब सेवा देने में किसी भी चीज़ का समय नहीं देखना चाहिए। वो इस महामारी में तो और आगे और बढ़ बढ़ के आना चाहिए। मैं उन समाज सेवकों से, दानदाताओं से अपील करता हूँ कि वो पिछले साल जैसे आगे बढ़कर आए थे, अपन मध्यम वर्ग के गरीब परिवारों को जो सेवाएं देते हैं वो इस साल भी दी जाए, और ऐसे महामारी में उनको हर बार ऐसा सहयोग करना चाहिए। ये बताओ शहर के जो हालात चल रहे हैं अभी कैसे हैं और क्या अपील चाहते हो शहर के दानदाताओं से? गरीब की हालत तो ऐसे चल रहे हैं तो कि इंसान क्या कमाए ना क्या खाए और कैसे क्या करे। हर चीज़ पे इतनी महंगाई हो रही है, इंसान क्या करेगा। क्या कहना चाह रहे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि सरकार को सबको सहायता करना चाहिए हर चीज़ के अंदर। क्या लग रहा है और आगे जो कोरोना लग रहा है तो क्या आगे और मेहनत होगा कि नहीं होगा? आगे तो देखो गरीब के लिए तो कुछ नहीं होना चाहिए, सुखी परिवार रहे, आगे सब राज्य खुशी रहे और क्या। ये तो कोरोना हटने चाहिए कि सब परेशान हो रहे बीमारी से, हर बीमारी सब भी घर गृहस्थी कैसे क्या चलाए। ये बताइए अभी जो हालात चल रहे हैं शहर के हालात, क्या लगता है इन हालात को देखते हुए आने वाला समय कैसा होगा? आने वाला समय भी इससे भी बेहतर आएगा और अगले साल से भी ज़्यादा इस साल बहुत बेहतर हो रहा है। अन्नदाताओं को आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और सबों के सहयोग होना चाहिए और हर गरीबों की बिल्कुल मदद करना चाहिए। अभी क्या लग रहा है कोई दानदाता आगे आए नहीं? अभी कोई नहीं आया सवाल दानदाता। क्या कारण लगता है क्यों नहीं आ पाए? अगले साल तो आए थे, इस साल नहीं आ रहे हैं अन्नदाता। तो उन परिवारों की हालत क्या होती होगी जब ये लॉकडाउन कर्फ्यू लगा हुआ है? लॉकडाउन कर्फ्यू लगा हुआ है, बहुत गरीब आदमी है और धंधे पानी से टूटा हुआ है और बिल्कुल मजबूर हो गया आदमी, खाने पीने के लिए खाने पीने के कुछ भी नहीं रहा। वो परिवार कैसे अपने परिवार का इलाज कराएगा, कैसे ऑक्सीजन की व्यवस्था करेगा, कभी राशन की व्यवस्था करेगा, कभी गोली दवाई की व्यवस्था करेगा? वो तो कहाँ से लाएगा सब पैसा, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, मजदूर आदमी कहाँ से लाएगा पैसा। इसलिए अन्नदाताओं को आगे होकर आना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए।